दोस्तों इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, रईसों को हुस्न की जाल में फंसाकर मोटी रकम ऐंठने वालों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। मामले में मुख्य आरोपी सिरीसी पांडे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अब रवीना टंडन को गिरफ्तार किया है। जी हां दोस्तों, रवीना टंडन को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों बता दें कि मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। करीब एक महीने पहले ही मुख्य आरोपी सिरीस पांडे को गिरफ्तार किया गया था, जो 5 महीने से फरार चल रहा था। दोस्तों मिली जानकारी के अनुसार बड़ौदा बाजार सेक्स रैकेट हनी ट्रैप मामले में 5वां FIR दर्ज किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने रवीना टंडन, लक्ष्मीकांत केसरवानी और पुष्पमाला फेकर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस मामले में कई अहम खुलासे कर सकती है। बता दें कि मामले में मुख्य आरोपी सिरीस पांडे JCCJ से पूर्व विधायक का प्रतिनिधि भी था। गौरतलब है कि सेक्स स्कैंडल और हनी ट्रैप मामले को लेकर मार्च 2024 में कोतवाली थाने में पहली बार केस दर्ज किया गया था। दोस्तों बताया गया कि आरोपी पूरे गिरोह के साथ बड़े व्यापारियों को फंसाता था। ये गिरोह करीब एक साल से बलौदा बाजार इलाके में सक्रिय था, जो फिल्मी स्टाइल में शहर के रईस और बड़े व्यापारी को अपने जाल में काल गर्ल को उनके पास भेजकर उसकी तस्वीर और वीडियो बना लेते थे, जिसके एवज में ब्लैकमेलिंग कर मोटी रकम वसूल लेते थे। दोस्तों लगातार ब्लैकमेलिंग से परेशान करीब 4 लोगों ने आखिरकार पुलिस की शरण ली, तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। तो दोस्तों इस वक्त की एक बड़ी खबर है, पुलिस की कार्रवाई लगातार हो रही है। इस वक्त की एक बड़ी खबर जो कि बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, रवीना टंडन को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों आगे की खबरों को, पल पल की खबरों को सबसे पहले जानने के लिए इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। बाकी